तो फ्रेंड्स, आपको बाल लंबे और सिल्की करने के लिए घर पे ऑयल बनाने के लिए बहुत ही सिंपल है। तो इसमें आपको लगने वाली है करी लीव्स मतलब कड़ी पत्ता और कुछ एलोवेरा। तो अब हम एलोवेरा का जेल निकालेंगे, बहुत सिंपल है। इस ऑयल से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा, जैसे कि आपका हेयर ग्रोथ, बाल बहुत सिल्की हो जाएंगे आपके। अगर डैंड्रफ इश्यू है तो वो भी नहीं, वो भी चले जाएंगे आपको। ये आप प्लीज़ करके देखिए। आप चाहें तो इसमें मैं अनियन जूस नहीं मिला रही हूँ, लेकिन अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है बाल्डनेस की भी तो आप अनियन जूस भी मिला सकते हैं इसमें। और अनियन जूस लगाने के बाद अगर आपको अनियन का स्मेल नहीं अच्छा लग रहा या जा नहीं रहा वो आपके हेयर वॉश करने के बाद भी, तो आप लेमन डाल के पानी में फिर हेयर वॉश कर लीजिएगा। ये हमने वर्जिन कोकोनट ऑयल लिया है। मैं ये वर्जिन कोकोनट ऑयल इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि ये ज़्यादा मुझे अच्छा मतलब रिजल्ट देता है। आप चाहें तो वो दूसरे भी कोई भी कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, प्योर कभी भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैंने ये एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट मिलाया है ओरिजिनल। अगर आप चाहें तो आप पतंजलि या फिर जो भी है वो और भी प्रोडक्ट्स के यूज़ कर सकते हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल हो। मतलब वरना मैं तो कहूँगी कि आपके पास अगर पेड़ है इसका तो आप इसका ही यूज़ कीजिए क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा रहता है। देखिए ये जेल बहुत ज़्यादा काम का है। तो अब हम इसे डबल हीट प्रोसेसिंग में बॉईल करेंगे। तो हमने एक बोल में पानी गर्म कर लिया है, देखिए। अब हम इससे अपने ऑयल के जो बर्तन है इसको इसमें डाल देंगे। डबल हीट करना है आपको, डायरेक्ट नहीं करना है इसे गर्म, वरना ये पूरा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। इससे करी लीव के भी एक्सट्रैक्ट पूरे ऑयल में आ जाएंगे और एलोवेरा के भी। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है अपने बालों के लिए। इसे आप वीक में 2 से 3 बार लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। इसे लगाना कैसा है हम ये भी आपको अभी बताएंगे, बार ऑयल रेडी हो जाए तो। देखिए 2 से 3 मिनट में हो जाएगा ये रेडी। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें हल्का हल्का बॉइलिंग होना शुरू हो गया है, बबल्स आ रहे हैं देखिए। तो बस 1 से 2 मिनट और चलाएंगे फिर हम इसे बंद करेंगे। ये बहुत अच्छा ऑयल है। ऑयल पे पैसे लगाने से तो अच्छा है कि आप ऐसे बना के रिजल्ट लीजिए। इसके 100% रिजल्ट है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। फ्रेंड्स, आपको इस तरीके से इसकी मदद से ही ये उठाना है, वरना हाथ जल सकता है। आपको बहुत ध्यान देके ये करना है। डबल हीट प्रोसेसिंग में आपको साइड के ये जो बर्तन है ना, इससे जल सकते हैं आप। देखिए ये उबाल से कलर बदल रहा है ऑयल अपना, देखिए। तो बस थोड़ी टाइम और करके निकाल देंगे। देखिए हो गया है, अब हम इसे अच्छे से निकाल लेंगे। इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी आ रही है, इसमें कड़ी लीव्स का भी बहुत अच्छा महक आना शुरू हो गया है। अब हम इसे उतार लेंगे। तो हमने जब तेल को निकाला था उसके बाद हमने 10 मिनट तक छोड़ दिया था इसे, तो अब ये ऐसा हो गया है इसका कलर।
हल्का सा हरा कलर हो गया है, ये देखिए। अब हम इसे अपने सर पे, बालों पे अप्लाई करेंगे। तो अब हम इसे अपनी उंगलियों में इस तरह से डिप करना है। आपको ऐसे अपने स्कैल्प पे इसको लगाना है। आपको अपने नेल्स से यहाँ पे ऐसे मसाज करनी, जैसे ऐसे लगना चाहिए वो आपको। ऐसे आपको एक एक करके पूरे हर एक रूट में लगा देना है। हमें इसे बालों से ज्यादा स्कैल्प में लगाना है। ये प्रोसेस आप लोग वीक में 2 से 3 बार कर सकते हैं, उससे रिजल्ट ज्यादा अच्छा आएगा। और जिस दिन आप ऑयलिंग नहीं कर रहे हो तो ऐसे ही आपको 10 मिनट मसाज करना है बस, बिना कुछ लगाए, और फिर सोना है। से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, रिलैक्स भी लगेगा और हेयर ग्रोथ भी अच्छी होगी आपकी। देखिए आपको ज्यादा ऐसे लगाना है पूरा। बहुत कम टाइम में लग जाता है। पूरे बालों पे इसलिए नहीं बोला है ज्यादा लगाने के लिए, अगर आपने ज्यादा पूरे बालों पे एकदम लगा लिया एकदम घर के, तो उससे बाल आपके खराब हो जाएंगे, क्योंकि आपके बालों से ज्यादा ना स्कैल्प को जरूरत है। तो आप लोगों को 2 टाइप का मसाज करना है। एक तो जो मैंने बोला कि ये ऑयल लेके उसे ऐसे ऐसे करना है आपको, हाँ कोम की तरह, यहाँ हम पीछे करते हैं तो कैसे करते हैं स्ट्रेट अप, ठीक है ये। और आपको ये अपने हाथों में पूरा ऑयल डिप कर लेना, फिर ऐसे लेना, ये ऐसे डालना है आपको, और सक्शन मसाज करना है आपको। देखिए बहुत सिंपल है, ये ऐसे डाल के बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो मैंने तो अच्छे से लगा लिया, देखिए मैंने नीचे इतनी कोई ऑयल नहीं लगाई है, मैंने बस ऊपर स्कैल्प में बहुत अच्छे से लगा लिया है। तो अब मैं आपको सुबह बताऊंगी आगे का वीडियो कि वॉश करने के बाद मेरे हेयर्स कैसे थे। तो अब मैं सोने जा रही हूँ, तो आगे का हम मॉर्निंग में देखेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह हो गई है। तो ये देखिए मेरे बाल में ये जो ऑयल था वो पूरा भीग चुका है, देखिए। तो अब मैं हेयर वॉश करके आप लोगों को बताऊंगी कि इसका रिजल्ट क्या है, करी लीव और एलोवेरा का क्या यूज़ है, क्यों ये इतना अच्छा रिजल्ट दे रहा है, तो ये पूरा मैं आपको भी बताऊंगी। तो मैं अब हेयर वॉश करने जा रही हूँ, कि मैंने ज़्यादा भी लगाया था पूरा ऑयल, तो अब मैं आपको हेयर वॉश करके बताती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने हेयर वॉश कर लिया है, अब मैं आपको अपना बाल ड्राई करके बताने वाली हूँ कि ये कैसा है। वैसे तो अभी बहुत सॉफ्ट लग रहा है, मेरे बाल भी एक भी टूटे नहीं है, तो अब मैं आपको ड्राई करके बता। तो
फ्रेंड्स मेरे बाल पूरे एकदम अच्छे से ड्राई हो चुके हैं, मैंने ड्राई यूज़ नहीं किया, इसको नेचुरली ही मैंने ड्राई होने दिया है, तो ये बहुत देखिए बाउंसी भी मेरे बाल लग रहे हैं और स्मूथ देखिए, मैंने कोई स्ट्रेटनिंग कुछ नहीं किया है, बहुत स्मूथ, इतना अच्छा लग रहा है मुझे देखिए। और मेरे एक भी बाल आज बिल्कुल भी नहीं डूबे हैं, तो प्लीज़ ये ऑयल यूज़ कीजिए और मुझे बताइए कि आपको सच में ये मतलब काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा। वैसे इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो होने नहीं वाला है, लेकिन प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको रिज़ल्ट में मतलब अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसका, पॉजिटिव नेगेटिव आप दोनों मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए, कम से कम मतलब 2 लाख लाइक चलेगा, तो उतना लाइक तो प्लीज़ कर दो, मतलब अपने फ्रेंड्स फैमिली और रिश्तेदारों सबको शेयर करो मेरा वीडियो, और प्लीज़ 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 मेरा लाइक बढ़ाइए और मुझे सपोर्ट कीजिए इसमें, और थैंक यू। मैं नेक्स्ट वीडियो भी आपके सामने जल्दी लेके आना हूँ। बाय बाय।